नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो पे मैं आपको बेंजो के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बेंजो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो असल में होता क्या चीज है और कैसे इसको प्ले करते हैं। और इसमें जो इधर आप तार देख रहे हैं, इधर तार देख रहे हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं बेंजो का लेसन चालू करने वाला हूं। तो बेंजो का लेसन चालू कर ले उसके पहले बेंजो के बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो मैं बेंजो के पार्ट्स के बारे में पूरा आपको बता दूं कि कौन सा पार्ट्स कैसा इस्तेमाल किया जाता है और कैसे वो बजेगा और इसको कैसे हम उपयोग करेंगे, इस सब चीजों को मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे क्योंकि जो इसके बाद मैं लेसन लाने वाला हूं वो पूरा बेंजो के ऊपर ही रहेगा कि बेंजो हमको कैसे प्ले करना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए तो सुरीला लगे। तो इन सब चीजों को पूरा मैं बताऊंगा शुरू से लास्ट तक। तो देखिए आराम से और देखते रहिए, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि बेंजो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसे प्ले होता है। तो यहाँ पे हम फाइनली अपने बेंजो के पास आ चुके हैं। तो ये जो बेंजो में सबसे पहले जो मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर प्ले कैसे होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है तीन ब्रिज होता है, पहला ब्रिज और ये सेंटर का ब्रिज और ये इधर का पहला ब्रिज, ठीक। तो तीन ब्रिज होता है और जो मेन ब्रिज होता है उसमें कई बेंजो में दो बेस तार लगाया जाता है और एक मेन तार लगाया जाता है, ठीक है। तो जो पहला जो मेन तार रहता है वो यहाँ पे, सेकेंड जो बेस तार रहता है जी थर्ड लगाया जाता है और थर्ड में जो बेस तार लगता है इसके उस पार उसे पांच नंबर का, यानी कि ये तीन नंबर का वो पांच नंबर का बेस तार लगाया जाता है और उसमें जो है बजाने में बेस ज्यादा अच्छा आता है उसका भन भन करके, तो बहुत अच्छा लगता है सुर। लेकिन दो तार के बेंजो में भी बहुत अच्छा आप दोनों तार को खींचकर बजा सकते हैं। तो ये जो मेन ब्रिज का काम होता है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो मेन तार हमारा है इसी पे हम इस पीक को चला करके बेंजो बजाते हैं, बाकी जो तार होता है उसका अलग अलग उपयोग है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले ये समझ लीजिए कि ये जो मेन तार है सबसे ज्यादा इसी चीज का यूज होता है, जो मेन तार है इसका। उसके बाद सेकेंड में बेस तार है तो बेस तार का भी यूज होता है और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मेन तार, उसके बाद सेकेंड में बेस तार, क्योंकि जब हम इसको बजा रहे हैं तो कभी कभी बेस का भी यूज कर सकते हैं और साथ में दोनों तार को भी टच करके हम इसको बजा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं झाला। झाला जो है वो यही चीज है जिसे हम कीबोर्ड पे कॉर्ड बोलते हैं। दो से अधिक बटन दबाने पर, यानी कि तीन बटन अगर हम एक साथ दबाए, चार बटन एक साथ दबाए तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है झाला में चार तार दिया हुआ है तो ये जो चार तार है ये कॉर्ड लगाने के लिए ही है, ठीक। जब हम गाना बजा रहे हैं तो गाना के भराव के लिए कॉर्ड का इस्तेमाल होता है कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे बेंजो में भी गाना में भराव लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए कॉर्ड का इस्तेमाल यानी कि झाला का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मेन तार आप देख रहे हैं ये जिस स्केल पे ट्यून रहता है उसी स्केल पे झाला को भी ट्यून किया जाता है। झाला ट्यूनिंग का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, आप आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो झाला जो है ऐसे ट्यून होता है। अभी काली तीन पे हमारा बेंजो ट्यून है तो काली तीन पे जो झाला है इस प्रकार से झाला जो है ट्यून है, ठीक। मेन तार जो है काली तीन पे ट्यून है इसीलिए ये झाला जो है काली तीन पे ट्यून है। तो ये इसका भी उपयोग मैंने आपको बता दिया। मेन तार पे जब हम टच कर रहे हैं उसके बाद मेन तार पे जब हम बजा रहे हैं तो बीच बीच में गाना के बीच में जो खाली जगह है उसको भराव लाने के लिए कॉर्ड का यानी कि झाला का इस्तेमाल होता है। बाकी जब हम आ गए तीसरे ब्रिज यानी कि सुरमंडल, जिसे जल तरंग भी बोला जाता है और सूरमंडल भी बोला जाता है। इसे सूरमंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस तार में सातों स्वरों का समागम है, यानी कि सातों स्वर आपको इस तार में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो सात तार है आठ तार झाला पे होते हैं, ठीक है। संगीत के सात सुर होते हैं लेकिन अलंकार भी जब हम बजाते हैं तो आठ स्वरों को लेकर बजाते हैं ताकि उसमें मधुरता और बजाने में जो है दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे भी आठ तार दिया होता है, यही सुरमंडल है। यहाँ पे सातों स्वर का समागम है, सातों स्वर एक साथ आपको मिलेंगे। कैसे, सारे का मैं पता नहीं, यानी कि नी तक के आपका सात स्वर होता है, जो जो आगे का जो सा होता है उसे स्वर को अच्छा मिठास में लाने के लिए गाया बजाया जाता है। तो ये जो है
ठीक, तो ये जो स्वर मंडल है इसमें सातों स्वर रहते हैं, और ये जो मेन तार और बेस तार है इसका उपयोग बेंजो बजाने में किया जाता है, यानी कि जो प्लेट्रम है सबसे ज्यादा मेन तार में चलता है, और ये जो झाला है गाना के भराव के लिए यूज किया जाता है, और इसका जो तीनों का जो आवाज होता है ये पिकअप आउटपुट करता है यहां से। यहाँ पे देखिए छोटा पिकअप भी लगा हुआ है, तो छोटा पिकअप जो लगा हुआ है इसको अगर हम इस बटन को नीचे कर दे, बहुत सारे बेंजो में ऐसा सिस्टम नहीं दिया होता है, लेकिन हम इस चीज को यहाँ पे बजाने के लिए, ये जो है सारंगी बो है जिसे वालियन सलाह में काम में लाया जाता है, तो अगर हम इसको छोटे पिकअप में चलाएं तो ये बजेगा, लेकिन हम इसी को अगर बड़ा पिकअप में चलाएं तो ये नहीं बजेगा, जबकि बड़ा पिकअप में लगा देने पर ये एकदम क्लियर बजता है, लेकिन ये जो चीज है नहीं बजता है। ये छोटे पिकअप में हम इसको अगर चलाएं, ये जो नीचे में लगा है छोटा पिकअप, तो इसमें अगर हम इसको चलाएं तब ये चलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं चाबी की ओर। तो मैंने आपको बता दिया कि झाला जो है कॉर्ड का काम करता है, मेन तार सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, बेस तार कभी कभी बजाते हैं, साथ में दोनों तार भी बजा के बजा सकते हैं। ये जो स्वर मंडल है ये सातों स्वरों का समागम है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, तो ये जो स्वर पट्टी आप देख रहे हैं ये हारमोनियम के हिसाब से ट्यून हुआ रहता है, यानी कि पूरा हारमोनियम जैसे बजता है उसी के आधार पे स्वर पट्टी बना हुआ रहता है। हम जब इसको ऐसे दबाते हैं तो ये जो बटन है नीचे जाकर स्वर पट्टी में दबता है, देखिए ऐसे स्वर पट्टी में नीचे जाकर इसको दबाता है तब जाके वहां से स्वर सही खुलता है। ठीक, तो ये जो है स्वर पट्टी का काम होता है। और ये जो चाबी आप देख रहे हैं, ये जो इसको चाबी बोलते हैं, ये जो चाबी है अगर हम मेन ब्रिज के तार को काली चार पे ट्यून कर दे तो पूरा चाबी को टाइट करके ढीला करके हम स्वर मंडल को भी काली चार पे ट्यून करेंगे, यानी कि इसका जो है वही है कि जिस स्केल पे हम मेन तार बेस तार को ट्यून किए उसी स्केल पे हम स्वर मंडल और झाला को ट्यून कर सके, इसलिए ये चाबी दिया होता है। अपने हिसाब से हम जिस स्केल पे बजाना चाहे उस स्केल पे इसको ट्यून करके बजा सकते हैं। पहले तो मेन तार को ट्यून करने के लिए आपको ये जगह दिया गया है, यहां से आप मेन तार को पहले ट्यून कर सकते हैं, उसके बाद झाला को यहां से और स्वर मंडल को यहां से ट्यून कर सकते हैं। तो बाकी जितना जानकारी यहां पे देना था मैंने दे दिया, बाकी जानकारी मैं आगे की वीडियो में और दूंगा। तो पहले बेंजो में और कुछ भी नहीं है यार, खाली इतना ही है कि हमको झाला के बारे में समझना है, मेन तार बेस तार के बारे में समझना है। मेन तार को तो बजाएंगे तभी ही बेंजो बजेगा, झाला जो है गाना में भराव लाने के लिए, और स्वर मंडल का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। ठीक, तो अभी बाकी का जो बेंजो का प्रैक्टिस होता है मैं आगे वीडियो लाऊंगा आप सभी के लिए, ताकि आप सब बेंजो आसानी से सीख सके। चलिए दोस्तों, नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी चीज को अगर आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछिए, उस चीज के बारे में वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।